Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? Hope so you are fine and enjoying good health, inshallah. Okay, dear students, open your phone with English book. At the page number 18, I mentioned class of day 10 day on the page number 18. And as you know, we learn about the beginning blends in our previous two or three lectures. The beginning blends और डायग्राफ हमने पिछले चंद लेसन्स में पढ़ा. डायग्राफ और ब्लेंड्स के बारे में हमने पढ़ा कि डायग्राफ वो होते हैं जो कि दो लेटर्स मिलकर, जैसे कि ये मैं उस दिन आपको इस वर्कशीट से समझाया था, इसी को हम दोबारा यूज़ करते हैं कि एक दफ़ा हम सारा जो है वो अपना टॉपिक रिकॉल कर लें और उसके बाद हम जो है वो स्टार्ट करते हैं. तो डायग्राफ के बारे में हमने पढ़ा था कि डायग्राफ भी दो लेटर्स से मिलकर बनता है, इन जैसे कि एस और एच. लेकिन इन दोनों की अपनी अपनी साउंड है. एस की साउंड क्या है और एच की साउंड क्या है. लेकिन जब ये डायग्राफ बनता है तो ये दोनों मिलकर अपनी अपनी साउंड छोड़ देते हैं और एक साउंड बनाते हैं. लेकिन ब्लेंड्स में हमने क्या पढ़ा था कि ब्लेंड्स में जब दो लेटर्स मिलते हैं तो अब जैसे इनकी भी डिफरेंट साउंड है, बी की साउंड क्या है ब, एल की साउंड क्या है ल. लेकिन जब ब्लेंड्स में मिलते हैं तो ये अपनी अपनी साउंड छोड़ते नहीं है, बल्कि दोनों के साउंड बोले जाते हैं. जैसे बी एल आगे यू ई लगा के अगर हम ब्लू लिखते हैं तो ब यू, तो बी की भी साउंड बोली जा रही है, एल की भी साउंड बोली जा रही है. लेकिन डायग्राफ में दोनों अपनी अपनी साउंड छोड़कर सिर्फ एक साउंड बना लेते हैं. तो ये ब्लेंड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे और तकरीबन चार पांच हमने ब्लेंड्स जो हैं वो पढ़ लिए थे. आज हम पेज नंबर 18 पर जो हमारे पास लास्ट थ्री ब्लेंड्स हैं उनको हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी वर्कबुक से वर्कशीट को सॉल्व करेंगे और फिर उसी तरह हम अपना होमवर्क देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज हमारे पास जो सबसे पहला ब्लेंड है वो है एफ आर. एफ आर, तो इधर ही मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए एफ की साउंड क्या है फ और आर की साउंड क्या है र. तो जैसे एफ और आर मिलेंगे और अगर हम इसको ओ और जी मिला के एक वर्ड बना लें तो इस वर्ड में देखेंगे फ रॉग आग, फ रॉग. तो देखिए एफ की भी साउंड बोली जा रही है, आर की भी साउंड बोली जा रही है, फ्रॉग फ रॉग फ रॉग. फ की भी साउंड फ, एफ की साउंड र, आर की साउंड. तो डायग्राफ क्या था हमारे, सॉरी ब्लेंड क्या था हमारे पास, एफ और आर, यानी दो अलग अलग लेटर्स थे जिनकी अपनी अपनी साउंड्स थी. जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो वो अपनी साउंड छोड़ते नहीं हैं, बल्कि जो भी वर्ड उनसे बनता है उसमें उस दोनों की साउंड जो है वो प्रोनाउंस की जाती है. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो, चलिए इसको पहले देख लेते हैं, फ्रॉग की अभी हमने एग्जांपल देखी. इसी तरह फ रॉक, फ एफ की साउंड र, आर की साउंड और फिर आगे आग, फ्रॉक हो गया. इस तरह फ्रेम में भी देखें, फ रेम, फ एफ की भी साउंड आ रही है, र आर की भी साउंड आ रही है. तो हमने देखा कि ये दोनों आपस में मिले, एक ब्लेंड तो बनाया लेकिन अपनी अपनी साउंड नहीं छोड़ी. इसी तरह ग, जी और आर है, जी और आर भी एक ब्लेंड है. तो देखिए जी और आर अलग-अलग लेटर्स थे, जी की साउंड क्या थी ग, आर की साउंड क्या थी र. तो जी और आर जब आपस में मिलते हैं तो ये अपनी साउंड छोड़ते नहीं हैं, बल्कि अगर इनके साथ कुछ और अल्फ़ाबेट्स लगाकर कुछ वर्ड बनाए जाएँ तो उनमें ये दोनों अपनी अपनी साउंड जो है वो, इनकी साउंड जो है वो प्रोनाउंस की जाएगी. तो जैसे जी और आर के आगे हमने डबल ई और एन लगाकर ग्रीन बना दिया, तो ग रीन. तो देखिए ग जी की साउंड भी है, र आर की साउंड भी है, तो दोनों की साउंड जो है वो प्रोनाउंस हो रही है. इसी तरह ग्रास, इस तरह ग्रुप. तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन है वो है प्रे, पी और आर. तो पी और आर, पी की साउंड क्या थी फ और आर की साउंड क्या थी र. तो ये जब आपस में मिलेंगे तो दोनों की साउंड प्रोनाउंस की जाएगी. जैसे कि हमने पी आर के साथ ए वाई लगा दिया तो प्रे एंड प्रिंस एंड प्राम, तो दोनों की साउंड जो है वो प्रोनाउंस की जा रही है. तो होप्स हो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी ब्लेंड्स की एंड डायग्राफ्स की. तो अब हम चलते हैं अपने वर्कबुक के काम की तरफ. तो वर्कबुक पर जो हमारा आज का काम है,
तो फन विद इंग्लिश वर्कबुक और वर्कबुक का आपने पेज नंबर 30 है जो आज करना है, तो पेज नंबर 30 के ऊपर क्लास ऑफ डेट एंड डे मेंशन करेंगे और इन पर हम BR और CR जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जिनके बारे में हमने पढ़ा था वो BR, CR एंड DR इन तीनों ब्लेंड्स के अगले पेज पर जैसे आप देख रहे हैं कि तीन DR भी है तो और उससे अगले पेज पर उसी के साथ FR भी है, यानी वो ब्लेंड है जो आज हमने पढ़ा है। तो आज हम ये दोनों एक्टिविटी यानी पेज नंबर 30 एंड पेज नंबर 31 दोनों करेंगे। तो आज हम ये दोनों पेजेस करेंगे। और अच्छा, ब्लेंड्स में जो हम लिखते हैं तो ब्लेंड्स में जब आपने इनके वर्ड्स लिखने हैं उन्हीं जैसे यानी BR और CR से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखने हैं आपने, क्योंकि बिगनिंग ब्लेंड्स हैं तो इसलिए BR और CR से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स ही आपने लिखने हैं। लेकिन उनमें ऐसा नहीं है कि वो लाजमी तौर पर राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए, नहीं, उनकी साउंड सेम ना भी हो, राइमिंग ना भी हो, तो भी क्योंकि वो BR से या CR से स्टार्ट होंगे तो इसलिए हम उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब जैसे देखिए ब्रिक है यहाँ पर लिखा हुआ, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रेड। ब्रेड भी देखिए BR से स्टार्ट हो रहा है तो BR। बी की भी साउंड है, आर की भी साउंड है। और इसी तरह हम अब लिख लेते हैं ब्राइट, BRIDE ब्राइट। तो ब्राइड में भी देखें BR से स्टार्ट हो रहा है और बी की भी साउंड बोली जा रही है और आर की भी। इसी तरह हम ब्राइट लिख लेते हैं, बी की भी साउंड ब और आर की साउंड र, ब्राइट, दोनों साउंड्स बोली जा रही हैं। इसी तरह आप हम ब्रिंग लिख लेते हैं, BRING ब्रिंग, ब रिंग, बी की भी साउंड है, आर की भी साउंड है, तो ये क्या है, एक ब्लेंड है। और उसके बाद हम लिख लेते हैं ब्रिंक, BRINK ब्रिंक, ब रिंग। इसमें भी देखिए बी की भी साउंड है, आर की भी साउंड है, दोनों साउंड्स प्रोनाउंस की जा रही हैं, तो यानी कि ये BR एक ब्लेंड होगा। तो देखिए आपने उस पहला क्या था, ब्रिक, फिर ब्रेड, फिर ब्राइड, ब्राइट, ब्रिंग, ब्रिंक, ब्रिंग और ब्राइड और ब्राइट, इनकी ब्रेड, इनकी साउंड्स तकरीबन सेम नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि अभी हम जो वर्ड लिख रहे हैं उनमें सिर्फ एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो BR से स्टार्ट होने चाहिए और BR एज अ ब्लेंड होना चाहिए, बिगनिंग ब्लेंड, ठीक है। तो इनके अलावा अगर उनकी साउंड सेम नहीं भी हैं तो हम उनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्राय। तो अब हमारा कंसर्न क्या होगा कि हम वो वर्ड्स लिखें जो कि CR से स्टार्ट हो रहे हैं और CR एज अ बिगनिंग ब्लेंड हो। तो CR से उन्होंने क्राय लिखा है, CR के साथ Y लगा कर उन्होंने क्या वर्ड बना दिया, क्राय। और इसी तरह उन्होंने हमें बोला कि आपने नेक्स्ट वर्ड्स बनाने हैं, तो हम लिखते हैं क्राय CR के साथ, कर आगे हम ANE लगा दें अगर तो क्रेन बन जाता है, क्रेन, ख सी की साउंड, र आर की साउंड, तो दोनों की साउंड प्रोनाउंस की जा रही है। इसी तरह CR के साथ अगर आप US और H लगाए तो ये क्रश बन जाता है। तो देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है, CR से, और C की भी साउंड प्रोनाउंस की जा रही है, R की भी साउंड प्रोनाउंस की जा रही है, तो ये भी क्या है, एक CR, इधर भी एक बिगनिंग ब्लेंड है। उसके बाद अगर हम C और R के साथ AZY लिख देते हैं तो ये कौन सा वर्ड बन जाता है, क्रेजी, क्रेजी। तो देखिए क सी की साउंड, रे र आर की साउंड, तो क्रेजी, ये भी क्या होगा, हमारा एक बिगनिंग ब्लेंड है। उसकी तरह फिर आगे हम लिखते हैं क्रुक, लिख देते हैं हम CROOK क्रुक, क्रुक के क्रुक भी देखिए CR से स्टार्ट हो रहा था, ये भी क्या है, एक बिगनिंग ब्लेंड है जिसमें दोनों की साउंड सेम है। इसी तरह आगे हमने लिख दिया क्रो, CROW क्रो, तो क्रो भी
सीआर से स्टार्ट हो रहा है और हमें भी बिगनिंग ब्लेंड सीआर ही चाहिए था और सी की भी साउंड प्रोनाउंस की जा रही है, आर की भी साउंड प्रोनाउंस की जा रही है, तो ये बिगनिंग ब्लेंड है। तो हमने इस पेज पर लिखा ब्रेड, यानी जो हम खाते हैं आमतौर पर रोटी वगैरह। उसके बाद ब्राइट यानी दुल्हन, ब्राइट यानी चमकदार, ब्रिंग लाना, ब्रिंक किनारा, जैसे दरिया का समंदर का किनारा होता है इसको ब्रिंक बोलते हैं, या किसी भी चीज़ का किनारा हो तो उसको भी हम ब्रिंक बोलेंगे। उसके बाद क्राय, क्राय का मतलब क्या था, रोना। क्रेन जो ये गाड़ी होती है जिसके आगे यूं उसका होता है और जिससे मट्टी उठाते हैं। क्रश यानी तोड़ना वगैरह किसी चीज़ को। और उसके बाद क्रेजी यानी बहुत खुशी में आप जो कोई काम करते हैं बहुत ज़्यादा खुशी और जोश और जज्बे से उसको क्रेजी। क्रुक टेढ़ा यानी अगर कुछ चीज़ जैसे कि मिसाल के तौर पर ये एक सीधी लाइन है और ये क्या है एक टेढ़ी लाइन है तो उसको क्रुक बोलते हैं, टेढ़ी चीज़ को। क्रो यानी कौवा। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो डायग्राफ है सॉरी ब्लेंड है वो है डी आर और एफ आर। तो डी आर से ड्रा उन्होंने लिखा है तो हम आगे लिखना शुरू करते हैं जी ड्रेन। ये देखिए ये भी डी और आर से ही स्टार्ट हो रहा है, डी आर ए आई एन ड्रेन। इसी तरह ड्रिल डी आर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी डी आर आई डबल एल ड्रिल। इसी तरह ड्रिंक, ड्रिंक भी देखिए डी आर से स्टार्ट हो रहा है, डी आर आई एन के ड्रिंक। हमें जो क्वालिटी चाहिए वो सिर्फ ये कि ये डी आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हों। इसी तरह ड्रा डी आर ए डब्ल्यू ड्रा। इसी तरह ड्रॉप डी आर ओ पी ड्रॉप। तो ये तो डी आर वाले हो गए हमारे पास। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और एफ आर के, एफ आर से स्टार्ट होने वाले, जैसे फ्रॉग लिखा है तो हम लिख देते हैं फ्रॉक, एफ आर ओ सी के फ्रॉक जो लड़कियां पहनती हैं। उसके बाद फ्रॉम, एफ आर ओ एम फ्रॉम। इसके अलावा फ्री, एफ आर डबल ई फ्री। और फ्रूट और इसके अलावा फ्रॉन। हाँ जी, तो ये तो थे हमारे बिगनिंग ब्लेंड्स जिसका आज टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। तो अभी इस लेक्चर में बल्कि अभी तक जो इतने भी हमारे प्रीवियस 4 to 5 लेक्चर्स थे उनमें हमने सीखे थे डायग्राफ्स और ब्लेंड्स। तो अगर कोई भी वर्ड आपके सामने आए जिसमें शुरू में 2 लफ्ज़ हों या एंड पर 2 लफ्ज़ हों लेकिन उनकी एक ही साउंड हो, यानी एस एच स ह की साउंड ना दे रहे हों बल्कि एक मिलकर एक साउंड श की दे रहे हों, तो ये आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये वेरी गुड डायग्राफ, क्योंकि उन दोनों ने अपनी अपनी साउंड छोड़कर एक साउंड बना ली। लेकिन अगर आप देखें कि कोई वर्ड है जिसके स्टार्ट में 2 लेटर्स हैं लेकिन उन दोनों की साउंड प्रोनाउंस की जा रही है तो वो फिर क्या होगा, ब्लेंड होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज करें, करते रहें, मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स देखें, स्टोरी बुक्स जो हैं वो ला के पढ़ें, छोटी छोटी स्टोरी बुक्स जो हैं वो मिल जाती हैं वो आप ला के अपनी मामा को बोलें कि हमें सुनाएं या ख़ुद पढ़ें, और फिर उनको आप उनमें देखें वर्ड्स के कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनके स्टार्ट में या एंड पर डायग्राफ है और कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हमारे पास ब्लेंड्स हैं। तो ये तो था हमारा क्लास वर्क। तो चलिए आप होमवर्क को देखते हैं। तो होमवर्क में जो आपने करना है वो भी अपने जो प्रीवियस होमवर्क्स हैं उनकी तरह आपने काम करना है कि क्लास वर्क डे होमवर्क डेट एंड डे के बाद आपने बिगिनिंग ब्लेंड्स राइट 5 एफ आर जी आर एन पी आर जो हमने बुक से आज पेज नंबर 18 पढ़ा था आई थिंक उस पर जो 3 ब्लेंड्स थे एफ आर जी आर एन पी आर उन्हीं से 5 वर्ड्स जो हैं वो आपने मज़ीद बनाने हैं। तो होप्स हो कि आपको कोई मसला नहीं होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।